आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन स्वागत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो भारत में भी हुई इस खतरनाक वायरस मंकी पॉक्स की एंट्री, विदेश से लौटा शख्स में मिले हैं लक्षण, किया गया है आइसोलेट। भारत में मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आया है। हाल में ही विदेश से लौटे एक युवक में जो है एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स के संक्रमण होने के कारण संदिग्ध मामले की पहचान हुई है और मरीज को जो है स्पेस फ्लाइट अस्पताल में आइसोलेट करके रखा गया। मरीज के हालात स्थिर है। एमपॉक्स की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए जो है रोगी के सैंपल जो है वो टेस्ट किए जा रहे हैं। इस मामले को स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार मैनेज किया जा रहा है और संभावित सोर्स की पहचान करने और उसे यहाँ पर पहचान करने और देश के भीतर प्रभाव का आकलन करने के लिए उसे जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है उसकी जारी है। तो कॉन्टैक्ट टेस्टिंग जो है उसकी यहाँ पर जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि इस स्थिति में फिलहाल मजब जो स्थिति जो है वो फिलहाल कंट्रोल में है। ये बताते हुए ये घटनाक्रम राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र द्वारा जो है वो किए गए पिछले रिस्क असेसमेंट के अनुरूप है। वही मंत्रालय ने कहा है कि किसी भी तरह की अनावश्यक चिंता का कोई यहाँ पर कारण नहीं है। देश में इस तरह के अलग थलग यात्रा से संबंधित मामले से निपटने के लिए पूरी तरह से सरकार तैयार है। इसके लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को जरूरी गाइडलाइन भी जारी कर दी है। अब आप ये पूछते होंगे कि यहाँ पर जो मंकी पॉक्स वो कैसे फैलता है। तो दादा आपको स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक में बताया गया कि मंकी पॉक्स समय 2 से 4 हफ्ते का संक्रमण होता है। रोगी आमतौर पर सहायता संबंधी प्रचलन से ठीक हो जाता है। ये वायरस संक्रमित व्यक्ति के साथ लंबे समय तक निकट संपर्क और आमतौर पर यौन संपर्क और शरीर घाव के तरल पदार्थ के साथ सीधे संपर्क में या फिर संक्रमित व्यक्ति के दूषित कपड़े या फिर चादर का इस्तेमाल करने से ये जो बीमारी जो है वो फैलती है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, व्हाट्सएप पे होने वाले ऐप सबसे बड़े बदलाव, मैसेज करने का बदल जाएगा तरीका। व्हाट्सएप का इस्तेमाल आज भारत समेत दुनिया के कई करोड़ लोग यहाँ पर करते हैं। मेटा भी जो है समय समय पर यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए नए नए फीचर जो है व्हाट्सएप में पेश करता रहता है। हालांकि कंपनी ने यूआई से लेकर ऐप में कई नए फीचर जोड़े हैं जिसमें प्लेटफॉर्म का यूज करने का तरीका भी बदल दिया है। दरअसल कंपनी व्हाट्सएप और मैसेंजर यूजर्स के लिए एक बड़ा अपडेट लेकर आ रही है। मेटा ने दोनों ऐप्स में कुछ बड़े बदलाव करने की घोषणा की। दरअसल ये बदलाव यूरोपियन संघ के एक नए कानूनी कानून जो है उसकी वजह से किए जा रहे हैं। दरअसल अब व्हाट्सएप और मैसेंजर पर आप अन्य मैसेजिंग ऐप यूजर्स के साथ भी चैट जो है कर पाएंगे। कुछ वक्त पहले ऐसी भी खबरें सामने आई थी कि कंपनी ऐसे किसी फीचर पर काम यहाँ पर किसी फीचर पर काम कर रही है जिसकी मदद से आप अन्य ऐप्स पर जो है मैसेज कर सकेंगे। आखिरकार वही इस फीचर को व्हाट्सएप के ऐप में देखा गया, लेकिन ये बदलाव अभी भारत में नहीं हुआ है, ये यूरोप के अंदर हुआ है और अन्य देशों में इसकी ट्रेंडिंग फीचिंग जो है टेस्टिंग जो है वो हो रही है। वही तय नहीं, आप अपने सभी मैसेज को एक साथ या फिर फोल्डर में देख सकते हैं। आपको अन्य किसी मैसेजिंग ऐप्स के ऊपर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होगी। ये फीचर जो है पूरी तरह से गेम चेंजर साबित होने वाला है। इतना ही नहीं, इसमें भी आपको जो है रिएक्शन, रिप्लाई, रेड, रिसेट और टाइपिंग इंडिकेटेड इंडिकेटर जैसे फीचर का मजा मिलेगा। साथ 2025 में आप इन ऐप्स के यूजर्स के साथ ग्रुप चैट भी कर पाएंगे। वही 2027 में जो है आप जब अन्य ऐप्स के यूजर्स के साथ वापस ऑडियो कॉल भी जो है आप यहाँ पर कर पाएंगे। तो ये नया फीचर जो है व्हाट्सएप में आने वाला है जिससे जो है आगामी दिनों में लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो इंश्योरेंस प्रीमियम को लेकर बड़ी खबर देखिए। इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी में मिल सकती है बड़ी छूट। आज होगी जीएसटी की बैठक। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर भी हो सकता है बड़ा फैसला। जीएसटी काउंसिल की बैठक जो है आज होने वाली है। इस दौरान कुछ अहम इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी का फैसला होने वाला है। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स के मुद्दे पर भी चर्चा इस बैठक के दौरान हो सकती है। वह ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने जो है इंश्योरेंस प्रीमियम सिफारिश पहले से जो है उसकी यहाँ पर कर दी है, इसको तरक बढ़ाने के लिए सिफारिश कर दी है। अगर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल जीएसटी घटाने का अगर फैसला लेती है तो ये कस्टमर के लिए बड़ी राहत वाला होगा। सूत्रों के हवाले से यहाँ पर एक रिपोर्ट है जिसमें दावा किया जा रहा है कि फिटमेट कमिटी वाइप इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस समेत जो है लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस समेत अन्य बीमा पर जो अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है। वह इस कमेटी में केंद्र और राज्य दोनों के अधिकारी शामिल यहाँ पर हैं। फिलहाल हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी जो है वो लगाया जाता है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अब एनआरसी नंबर बिना एनआरसी नंबर नहीं मिलेगा या नहीं बनेगा आधार कार्ड इस राज्य में। सरकार ने किया है ऐलान। असम में जो है सरकार ने जो है बड़ा ऐलान किया। दरअसल
उन्होंने साफ किया है कि आधार कार्ड बनाने को लेकर नेतृत्व वाली जो राज्य सरकार जो है मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा वाली, उसने क्या पर फैसला ले लिया वो सख्त उसको लेकर होगी। दरअसल अब आधार कार्ड बनवाने के लिए आवेदकों को NRC आवेदन रसीद नंबर जो है जमा कराना होगा। वही असम के CM के मुताबिक इसके लिए जो विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया SOP तैयार की जाएगी और इसे 1 अक्टूबर 2024 से लागू किया जाएगा। वही असम के CM के अनुसार राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC के आवेदन रसीद नंबर जमा कराने से अवधि और विदेशियों की आवाज जो है इसमें यहाँ पर रुकेगी और राज्य सरकार आधार कार्ड जारी करने में बहुत सख्ती यहाँ पर दिखाएगी। आधार कार्ड के लिए आए दिन जो है जनसंख्या से जो है बहुत यहाँ पर मतलब आवेदन जो है वो आते हैं। इसे उजुल ऐसा है कि राज्य के अंदर संदिग्ध नागरिक है, यही कारण है कि असम सरकार ने आधार कार्ड के लिए जो है ये नया फैसला यहाँ पर ले लिया है, जिसमें जो है अब दस्तावेज जो है आपको जरूर दिखाना होगा NRC का। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो पेट्रोल पंप पर भी कटेगा चालान, लागू हुए हैं नए नियम। जो नए नियम आए उसके मुताबिक अब आपका जो पेट्रोल पंप जो है उसके अंदर भी जो है आपका जो चालान जो है वो कटेगा। दरअसल बात यह है कि दिल्ली में PUC जो फॉर्म जो है सर्टिफिकेट जो है उसके बगैर चलाने वाले लोगों को जो है 10,000 रुपये का चालान का कटेगा और 100 पेट्रोल पंप यहाँ पर जो है उसके ऊपर CCTV लगाए गए हैं। दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है AI आधारित इन कैमरों को जो है परिवहन विभाग ने एकीकृत एप्लीकेशन से जोड़ा है। पेट्रोल पंप पर पहुंचे वाहन नंबर प्लेट CCTV कैमरों के जरिए स्क्रीन होगी और 30 सेकंड में पता चल जाएगा कि वाहन के पास वैध PUC प्रमाण पत्र है या फिर नहीं। नहीं होने पर यह जुर्माना जो है वो लगाया जाएगा और जो है जुर्माना जो है वो लगाया जाएगा। इसमें जो है जुर्माने 10,000 रुपये तक की इसमें मतलब कीमत जो है वो कही गई है, 10,000 रुपये तक का जुर्माना जो है वो लगेगा। दरअसल AI आधारित इन कैमरों में जो है परिवहन विभाग के जो है एक अधिकृत एप्लीकेशन से इसको जोड़ा गया है। पेट्रोल पंप पर पहुंचते ही जो है वाहन का नंबर प्लेट CCTV कैमरे के जरिए स्कैन हो जाएगा। वही 30 सेकंड में जो है पता चल जाएगा कि वाहन के पास वैध PUC प्रमाण पत्र है या नहीं। यदि नहीं है तो पेट्रोल पंप पर लगी स्क्रीन बता देगी, साथ ही वाहन मालिकों को जो है PUC लेने के लिए संदेश भी भेजा जाएगा। अगर 3 घंटे के भीतर प्रदूषण जांच नहीं करवाया तो 10,000 रुपये का चालान कट सकता है। तो ये कुछ जानकारी निकल के सामने आई। वैसे वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें रोजाना खबरें सुनने के लिए।